चुनाव आया तो योगी जी को ब्राह्मण याद आ ही गए। ब्राह्मणों ने योगी आदित्यनाथ की नींद कैसे गायब कर रखी थी और कितनी बेचैनी में थी बीजेपी, इसे समझना है तो ऐसे समझिए। बीजेपी में कभी अध्यक्ष हुआ करते थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी। 2017 का चुनाव वाजपेयी हार गए तो उन्हें योगी सरकार ने साइडलाइन कर दिया, क्योंकि गाहे बगाहे वो योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ मुंह खोल देते थे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी वही चेहरे थे जिनके नेतृत्व में बीजेपी ने 2014 में उत्तर प्रदेश में करिश्मा किया था, लेकिन 2016 में उनकी जगह केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए और 2017 में मौर्य का करिश्मा दिखा। 2017 में चुनाव हारने के बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी को सारे भाजपाई भूल गए। सरकार में तो छोड़ दीजिए, संगठन तक में जगह नहीं दी जा रही थी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को ये कहकर बाहर कर दिया गया कि उनकी उम्र ज्यादा हो गई। बीजेपी के नेता ही उन्हें टायर्ड और रिटायर्ड नेता कहने लगे थे। बीजेपी नेता ना तो उनसे मुलाकात करते थे और ना ही वाजपेयी की कोई चिट्ठी का जवाब देते थे। लेकिन अचानक बीजेपी का दिल वाजपेयी के लिए पसीज गया और लक्ष्मीकांत वाजपेयी को अब एक बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। स्वतंत्र देव सिंह ने एक ज्वाइनिंग कमेटी बनाई है जिसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी को प्रेसिडेंट बना दिया गया है। यानी 5 साल बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी की वापसी हुई और वापसी भी बड़े नाटकीय तरीके से हुई। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह यूपी दौरे पर आए, उन्होंने प्लानिंग की, योगी को फटकार लगाई और डिसाइड हुआ कि रविवार को जब पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी उससे पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी के नाम का ऐलान हो जाएगा और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। शुक्रवार को जब अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ज्वाइनिंग कमेटी का गठन किया तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह को सदस्य बनाया गया। वैसे तो बीजेपी में चुनाव के समय अलग अलग कमेटियां काम करती हैं, पर इसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को दायित्व मिलना इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि वो एक ब्राह्मण चेहरे हैं, और दूसरे में दूसरे दलों से नेताओं के आने और दूसरे दलों में जाने से रोकने में उन्हें महारत हासिल है। इसके साथ साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बीजेपी में शामिल होने के रास्ते तैयार करवाने में योगी से बेहतर अनुभव भी है। पर ये तिलिस्मी कमेटी विपक्ष के कितने नेताओं को तोड़ पाती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वैसे बीजेपी में ज्वाइनिंग कमेटी की जरूरत पड़ी ही क्यों, इसे समझने के लिए आपको चंद महीने पहले चलना पड़ेगा, जब बीजेपी में जितेंद्र सिंह बबलू की ज्वाइनिंग हुई। बीजेपी नेता और मंत्री रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने वाला जितेंद्र सिंह बबलू कुछ दिनों पहले भाजपा में शामिल किया गया। वो एक हिस्ट्री शीटर है और एक हिस्ट्री शीटर को हाथों हाथ लपकने के लिए बीजेपी कितनी उतावली थी कि उसने खुद के कैबिनेट मंत्री का घर जलाने वाले नेता को फूल माला पहनाकर स्वागत कर लिया और पार्टी में शामिल करा लिया। इस फैसले के बाद स्वतंत्र देव सिंह पर बहुत सारे सवाल उठाए गए। सच पूछिए तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का बीजेपी ने जबरदस्त बंदोबस्त कर लिया। अब बीजेपी ऐसे नेताओं को पार्टी ज्वाइन करवाएगी और इसका सारा ठीकरा लक्ष्मीकांत वाजपेयी के मत्थे फोड़ दिया जाएगा। ज्वाइनिंग कमेटी के मेंबर्स का काम होता है दूसरे दलों से आने वाले नेताओं का रिव्यू करना और उन्हें पार्टी में ज्वाइन करवाना। यानी अब अगर जितेंद्र सिंह सरीखे नेता पार्टी में शामिल कराए गए तो अकेले इसके लिए स्वतंत्र देव सिंह या योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार नहीं होंगे, सब मिलकर बराबर बराबर केक खाएंगे। यानी बीजेपी ने 5 साल बाद ही सही लक्ष्मीकांत वाजपेयी को मौका दिया और बड़े ही शातिराना प्लानिंग के साथ।